हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एक न्यू टॉपिक, जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन। तो जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चला था वो भी हमारा निश्चित समाकलन था, या फिर जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। बट यहाँ पर आज डेफिनेट इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक कंसेप्ट के लिए यहाँ पर एक इस तरीके से कंसेप्ट बनाया कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया है दो इस तरीके से, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन आपको करना, तो उसके अंदर एक फंक्शन जरूर ऐसा होगा उसके अंदर यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन दिया होगा, यानी कि जैसे यहाँ पर पाई एक्स दिया है तो उसके यहाँ पर देखो डिफरेंशिएशन कितना पाई डैश दिया है। तब आपको उस केस के अंदर करना क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मानना है कि लेट टी इज इक्वल टू पाई एक्स, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया होगा, यानी कि यहाँ पर हमको किसका दिया है पाई एक्स का दिया है, तो हमने उसको क्या मान लिया टी मान लिया। तो हमने यहाँ साइड में क्या मान लिया, उसको टी मान लिया पाई एक्स। फिर आपको दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा dt ओवर dx और यहाँ पर आपको बन जाता है फाई डैश एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है फंक्शन ऑफ फाई एक्स एंड फंक्शन ऑफ फाई डैश एक्स और इंटू dx आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे फंक्शन ऑफ फाई डैश एक्स इंटू dx की अब मुझे वैल्यू निकालनी कितनी है, तो मैंने क्या करा फंक्शन ऑफ फाई डैश एक्स तो यहाँ पर लिखा और साथ में dx जो नीचे था वो मैंने मल्टीप्लाई में पूछा था इस तरीके से, तो इसकी और इसकी जगह मैं यहाँ क्या पुट करूंगा dt पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं देखा यहाँ पर dt लिखा और इसको मैं फाइव एक्स को मैंने क्या माना था टी माना था, यहाँ पर मेरा फंक्शन बाहर ऐसे चल रहा है तो ये मेरा टी बन गया, ये डी टी बन गया, ठीक है। तो ये होता है इसको प्रतिस्थापन करने का मेथड, अगर आप इसको यूज करते हो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर केस इस तरीके से आपको देख सकते हो, आप किसी क्वेश्चन के अंदर लिमिट भी दियो या ऐसी बात, हम लिमिट वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो लिमिट तो आएगी आएगी, ठीक है। अब लिमिट भी यहाँ पर चेंज होती है, कैसे चेंज होगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है इफ लिमिट इज गिवन फ्रॉम ए टू बी, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसी क्वेश्चन का मानता हूँ कि आपकी लिमिट दी है ए से बी दी है, ठीक है, तब वो कैसे आप रिप्लेस करोगे, कैसे चेंज करोगे लिमिट को, तो यहाँ पर मैंने इसी को लिखा है लिमिट अगर आपको ए से बी दी है और फंक्शन जो भी यहाँ पर लिखा है मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट कैसे चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि वैन एक्स इज इक्वल टू ए था आपका, यानी कि जब एक्स की वैल्यू शुरू में ए थी, देन आपकी टी की वैल्यू कितनी आएगी। अब टी की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है डी इंटीग्रेशन जिसका हम कर रहे हो टी के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो हमको टी के सापेक्ष लिमिट निकालनी होगी। ये अभी जो लिमिट हमारी एक्स के सापेक्ष है, अब हमको टी के सापेक्ष देखनी होगी लिमिट कितनी आएगी हमारी पाई ए, ठीक है। इसी तरीके से जब हमारी लिमिट एक्स बराबर बी थी तो हमारी लिमिट हो जाएगी टी के सापेक्ष पाई बी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एक्स जब आपकी वैल्यू ए थी तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू कितनी मिली आपकी लिमिट के अंदर, तो आपकी वो मिलेगी फाइव ए, उसके बाद में जो दूसरी लिमिट मिली फाइव बी मिलेगी, और उसको हम फिर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। अभी आपको लिमिट वाला तो थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तीन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आप उनको अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर लॉग और सॉरी कॉस, ब्रैकेट के अंदर लिखा है लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, जब आपकी लिमिट दिया 1 2 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपके दो फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो आपका लॉग एक्स लिखा है इस एंगल की, इसीलिए काम कर रहा है, तो फंक्शन तो आपके दो ही है, एक कॉस है एक एक्स लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लॉग एक्स का यहाँ पर देखो डिफरेंशियल दिया है कितना 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखो वही कंसेप्ट बनना है जो कि मैंने आपको बताया था अभी, अगर आपके पास में दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो इस तरीके से, तो यहाँ पर दूसरा भी आपको दिया होगा इस तरीके से कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आपके पास में फंक्शन दिया है तब यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन अगर दिया होगा तो हमको उसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉग एक्स दे रखा है, अब उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमको टी किसको मानना है यहाँ पर, लॉग एक्स को मानना है, जैसे हमने टी में माना था यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस कंसेप्ट के अंदर पाई एक्स को माना था, यानी कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया होगा हम उसी को क्या मानेंगे टी मान के उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि लेट टी इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर एक्स, ठीक है, हमने ये कर दिया काम। अब हमको करना क्या है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ पर हमने करा था डी टी ओवर डी एक्स और ये बन जाए आपका फाइव डैश एक्स, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हम करेंगे, तो डी टी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का आपका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा डी टी और ये डी एक्स आपको उधर चला जाएगा डी एक्स ओवर एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी एक्स ओवर एक्स, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा डी टी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर दे, अभी लिमिट को हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, लिमिट को भी लिखेंगे नहीं यहाँ पर, उसको ऐसे लिखेंगे पहले। तो कॉस इसको मैंने क्या मान लिया, देखो यहाँ पर टी मान लिया, ठीक है, और डी एक्स ओवर एक्स कितना मेरा बन चुका है डी टी।
अब देखो लिमिट बदलने की बात कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट के बारे में आपको चेंज करना बताया था इस कंसेप्ट के अंदर, तो लिमिट कैसे चेंज करोगे। तो यहाँ पर देखो पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर आप लिखोगे जब एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, तब आप इस कंसेप्ट में इसको यहाँ पर यूज करो। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, टी की वैल्यू आएगी लॉग, टी क्या माना आपने, लॉग ई बेस पर एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपने कितनी मान ली यहाँ पर, 1 मान ली, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1, तो लॉग 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं लॉग, सॉरी टी की वैल्यू होगी आपकी 0। अब टी की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसी तरीके से जब आपकी वैल्यू दी हो एक्स की 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब एक्स की वैल्यू 3 थी तब आपकी टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हो टी इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर 3, ठीक है। तो हमको जब आपके एक्स की वैल्यू आपको 3 दिया हो तो टी की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, लॉग ई बेस पर 3 मिल चुका है। अब इन लिमिट को जो आपके पास में आई है उनको यहाँ पर पुट करते हैं, तो 1 पे देखो कितना आ रहा है, टी का वैल्यू 0 आ रहा है, और 3 पे कितना आ रहा है, लॉग ई बेस पर 3 या लॉग 3 लिख दीजिए आप इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो पूरा है टी के अंदर देखो कन्वर्ट हो चुका है, जैसे यहाँ पर हमारा कन्वर्ट होता है वो एफ टी के अंदर। अब इसको हमको सिंपल सॉल्व करना है, तो पहले इसको जो हम इंटीग्रेशन करते हैं कॉस टी का क्या आता है, साइन टी आता है, और लिमिट आपकी जो भी दी है वो एज इट इज आपकी चलेगी इस तरीके से 0 टू लॉग 3, ठीक है। अब आपको करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कहां पर रखोगे इस बार, टी की जगह, क्योंकि आपने टी के सापेक्ष में या टी के सापेक्ष में इंटीग्रेशन किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे साइन लॉग 3 माइनस साइन 0, इस तरीके से लिखा हमने इसको। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि साइन लॉग 3, और ये आपका 0 हो गया, उसके बाद साइन लॉग 3, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है साइन लॉग 3 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, देखेंगे हम यहाँ पर उनको कैसे हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट आपकी दी है 0 टू 1, और क्वेश्चन इस तरीके से दिया है एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस x² इनटू ds, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है जब आपकी लिमिट 0 टू 1 दी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो 1 प्लस x² लिखा है, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक टॉपिक करा था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर वही टर्म देखने को मिल रही है जब मैंने आपको बताया था जब किसी क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये वाला फॉर्म मिलता है a² + x², तब आप यहाँ पर क्या करते हो, तब इसमें आप करते हो कि लेट x इक्वल टू मानते हो a tan थीटा मान लेते हो, ठीक है, इस तरीके से तब आप उसको सोल्व कर पाते हो। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल वही कंसेप्ट देखने को मिल रहा है कि a² + x², तो a की जगह कितना यहाँ पर 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा आपके पास में कौन सा रूट मिला है यहाँ पर, 1² + x², तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 1 tan थीटा, अब चाहो तो आप हम 1 को लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाला फॉर्म आपको देखने को मिला, और उसी के अकॉर्डिंग आपने ये वाला कंसेप्ट लगाया कि लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग लगा दिया कि x इक्वल टू 1 tan थीटा, तो 1 को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, और सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे dx/dθ, और यहाँ पर आपको बन जाएगा sec²θ, ठीक है। नीचे यहाँ पर लिखा है dx इंटू x, तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से कंसेप्ट बनाना होगा, यानी कि dx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे sec²θ (dθ), ठीक है। अब dx की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे, देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, जब आपकी x की वैल्यू देखो 0 थी, x की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी दी है, x इज इक्वल टू आपका 0 है, तब हम कह सकते हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x वैल्यू 0 रखी तो tan थीटा बराबर कितना होगा, 0 हो गया। अब tan के अंदर 0 किसकी वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, तो tan से tan के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से जब आपकी tan की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू आपका दिया 1, तब आप कह सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने x वैल्यू कितनी रखी 1, और tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू, tan होती है 45 की वैल्यू ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 45 लिख लीजिए या फिर पाई बाई 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आपकी आती है पाई बाई 4। अब इन दोनों वैल्यू को, जो थीटा की वैल्यू आपकी आई है एक्सक्वल टू 0 पर 1 पर, इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो 0 पे देखो कितना मिला है, थीटा की वैल्यू 0 मिल गई है, और 1 पे कितना मिला है पाई बाई 4, यहाँ पर हम लिखते हैं पाई बाई 4 इस तरीके से, ठीक है। और x को हमने क्या माना था, यहाँ पर tan थीटा हमने उसको माना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा, और यहाँ पर हमने लिखा है dx की जगह देखो sec²θ,
यहाँ पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और नीचे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स, हमने क्या माना था tan थीटा माना था, तो ये आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आपको करना क्या आगे, देखो नीचे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनना है sec स्क्वायर थीटा का, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखा अंडर रूट, तो कहने मतलब ये आपका जो स्क्वायर है ये इधर अंडर रूट में आ चुका है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जगह इस क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे sec थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा, नीचे हम इसकी जगह लिखेंगे sec थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखा है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखा है sec थीटा, इनको ऊपर दो एक पावर ज्यादा, तो हम क्या करेंगे एक पावर से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास में कितना बचेगा sec थीटा बचेगा। तो हमारे पास में जो चीज बचती है हम उसको इसलिए लिखेंगे 0 टू पाई बाई 4 sec थीटा, हमने पहले लिख लिया और उसके बाद में tan थीटा। अब आपको उसको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec थीटा होता है, ठीक है, sec x इंटू tan थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे और लिमिट आपकी इस तरीके लिखी जाएगी। अब तो पहले हमने इसका इंटीग्रेशन करा तो कितना आएगा sec थीटा आ गया विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, और लिमिट आपकी जो लिमिट है 0 टू पाई बाई 4, तो 0 टू पाई बाई 4। अब आपको जो करना है यहाँ पर काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बड़ा करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा की जगह, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाया थीटा ग्रुप में बनाया, तो हमको थीटा की जगह लिखना होगा कि sec थीटा की जगह पाई बाई 4, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि sec 0। आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू को रखना है, अगर आपको उनकी वैल्यू पता है तो आप इसको सोल्व कर पाओगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तो sec पाई बाई 4 का मतलब होता है sec 45, तो sec 45 की वैल्यू होती है रूट 2, ठीक है। उसके बाद लिखा है sec 0, तो sec 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है फाइनल रूट 2 माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिमिट दी है 0 टू a और इंटीग्रेशन करना है x अपॉन अंडर रूट के अंदर लिखा है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। और आप नीचे की तरफ देख सकते हो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखा है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। अगर जब भी इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह का फॉर्म मिलता है किसी क्वेश्चन में कि अगर लिखा होगा कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो हम क्या करते थे उसमें, हम मानते थे कि ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, इनमें से किसी एक को मान के हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं कि लेट एस इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा हमने मान लिया, ठीक है, या फिर आप ए कॉस थीटा मान के इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमको क्यों माना, क्योंकि हमने इसके अंदर ये वाला फॉर्म देखने को मिला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने प्रतिस्थापन विधि में या सब्स्टिट्यूशन जब हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तब हमने उसको देखा था वहां पर। तो हमने इसको क्या मान लिया ए साइन थीटा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया ए साइन थीटा मान लिया। अब आपको दोनों साइड का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा और ये बन जाएगा आपका ए कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इन सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि आपकी लिमिट कैसे यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पर, तो लिमिट कैसे चेंज होगी, जब आप एक्स की वैल्यू देखते हो जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जीरो दी है, तब आप कह सकते हो कि यहाँ पर ए या फिर यहाँ पर जीरो वैल्यू रखेंगे एक्स की और ये आपका बन जाएगा ए साइन थीटा इस तरीके से। अब आपको ये चेक करना होगा कि जीरो किसका वैल्यू होती है साइन के अंदर, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है, तो साइन जीरो इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपका यहाँ पर जो साइन है साइन जीरो में साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साइन से आपका साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपको बचता है जीरो इज इक्वल टू ए थीटा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इस ए को आप पहले भी इसमें जीरो पूछा सकते हो या फिर बाद में पूछा सकते हो इस तरीके से। तो ए तो आपको जीरो में चलेगा, तो यानी थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल गई जीरो मिल गई, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू का कितनी मिली जीरो मिल गई। उसके बाद जब आपकी एक्स की वैल्यू देखते हो ए, तो यहाँ पर आपको साइन की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, साइन का मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी। यहाँ पर हम लिखेंगे जब आपकी एक्स की वैल्यू दी है ए, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं एक्स की जगह ए और यहाँ पर आपका ए साइन थीटा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए से ए कैंसिल, तो यहाँ पर आपको बचता है वन और यहाँ पर साइन थीटा। अब साइन के अंदर वन किसकी वैल्यू होती है 90 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 2 लिखेगा, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल जाएगा आपके यहाँ से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 2 आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों लिमिट हमने चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर हम इनको लिखते हैं, वही हमने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है।
अपने करना क्या, इसको चेंज करना है, चेंज कैसे करेंगे? तो एक्स को हमने क्या माना था, ए साइन थीटा हमने माना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए साइन थीटा एक्स की जगह, ठीक है। डीएक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, ए कॉस थीटा और इंटू डी थीटा, तो हम कह सकते हैं कि डीएक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ए कॉस थीटा और डी थीटा आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा उधर, तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम रखते हैं, तो ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस, एक्स को हमने क्या माना, ए साइन थीटा माना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बट स्क्वायर भी लगा, तो हम स्क्वायर भी लगाएंगे इस तरीके से, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। अब आपको उसको सिंपली सोल्व करना है आगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, ए और ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, नीचे आप लिखोगे अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस, अब देखो ये स्क्वायर जो है दोनों टर्म पे आएगा, ए पे भी साइन पे भी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप इस तरीके से, जीरो टू पाई बाई टू ए स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस नहीं इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा, नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ से कि अंडर रूट ए स्क्वायर आपने निकाला है कॉमन इस तरीके से, अंदर आपको बचता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टर्म आप क्या लिखोगे, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर लिख सकते हो कि जीरो टू पाई बाई टू लिमिट आपकी है ए स्क्वायर और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यहाँ पर जो अंडर रूट है दोनों का आप उनको अलग अलग कर दीजिए, ए पर अलग और इस वाले टर्म पर अलग, तो इस तरीके लिखेंगे कि हम इसको ए स्क्वायर अलग करा हमने और इसका अंडर रूट कर दिया अलग, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं मार रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करा, सिर्फ अलग कर दिया, आप देखो यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ए बचेगा सिर्फ आपका, तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, ऊपर जो भी लिखा है वो एल टी से लिखेंगे भी, ए स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू टी थीटा, नीचे आपका बचता है सिर्फ ए यहाँ पर, और ये आपका अंडर रूट के अंदर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, क्योंकि सरसमिका बन चुकी है, आइडेंटिटी बन चुकी है, जो कि आपने 9th टाइम से पढ़ी है। अब स्क्वायर से आपका इसका अंडर रूट कैंसिल, यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो टू पाई बाई टू और ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा, यहाँ पर आपके बचता है ए कॉस थीटा। अब आपके पास में यहाँ पर जो सी टर्म है कैंसिल होने वाली उनको कैंसिल कर दीजिए, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ए से आपकी ए पावर कैंसिल, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा जीरो टू पाई बाई टू लिमिट होगी आपकी, ए यहाँ पर आपको बचता है और यहाँ पर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये टर्म बची, आप देखो यहाँ पर ए क्या आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो हम कॉन्स्टेंट वैल्यू को साथ में अलग कर देते हैं इस तरीके से, हम उसको शुरू में लिखेंगे बाहर ए और इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू और यहाँ पर आपको लिखा है साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो आपको साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और इसका आपको बन जाता है माइनस कॉस थीटा इस तरीके से, तो आप माइनस को बाहर लगा लीजिए इस तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो माइनस को बाहर लगा लेते इस तरीके से। अब लिमिट कितनी है, जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद माइनस ए आपका ऐसे चलेगा, अब करेगा हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि थीटा के बाद पाई बाई टू रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे थीटा के जीरो, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो, ठीक है। अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है, कि पाई बाई टू का मतलब होता है 90 और कॉस जीरो का मतलब जीरो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस में जीरो होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कॉस जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और आप करोगे ए का अंदर मल्टीप्लाई भी, तो माइनस साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरो, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो बनेगा और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ए, तो हम कह सकते हैं जीरो प्लस ए कितना होता है, ए होता है। तो हम क्या कहेंगे इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर जो आता है हमारा ए आ जाता है, ठीक है। तो हमको बस सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको जो नीचे वाली टर्म है वो क्या दी हुई है, तब आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, उसके बाद लिमिट चेंज करोगे और सब पुट करने वाले को सिंपली सोल्व करना रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास में और भी यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए हम यहाँ पर कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कुछ इस तरीके से लिखा है कि लिमिट आपकी दी है 1 to √3 और क्वेश्चन आपका है tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 1 + x²। तो अगेन आपके पास में कौन सा फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि हम कहेंगे जब आपके पास में ये वाला फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप इस केस के अंदर क्या करते हो, x की वैल्यू आप मानते हो a tan थीटा,
ठीक है, बट हम इस क्वेश्चन का दे सकते हैं, हम एक जगह हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ पर हम लिख दे कि 1 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या मानेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू, एक जगह कितने लिखे 1, तो 1 को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ए टेन थीटा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने ये मेथड इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दिया है क्योंकि हमें को ये वाला फॉर्म देखने को मिला। अब हमको करना क्या है, हमको ये वाला कंसेप्ट बनाना है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, साथ में नीचे वाले को रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू या फिर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टेन है, मैं इधर लेके आ चुका हूँ, तो इनवर्स में आ गया, तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो गया, थीटा हो गया, या फिर थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स इस तरीके से। मैंने सिर्फ घुमा के लिख दिया उसको, और ये आपका एक्स। अब आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, और इसका इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डी एक्स और नीचे लिखा है 1 + x², अगर मैं डी एक्स को वहां पर पहुंचा दूंगा तो मेरा रिप्लेस हो जाएगा डी थीटा से, तो डी एक्स ओवर 1 + x² मेरा बन चुका है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर एक चीज तो ये वाली तो रिप्लेस हो गई है, साथ में टेन इनवर्स एक्स मेरा किससे रिप्लेस हो रहा है, देखो यहाँ पर आप थीटा किससे रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे भी, तो टेन इनवर्स एक्स को मैंने क्या बना दिया थीटा, तो यहाँ पर मैं लिखा थीटा डी एक्स ओवर नीचे लिखा 1 + x², तो मैंने क्या बना दिया उसको डी थीटा इस तरीके से, क्योंकि डी एक्स ओवर 1 + x² जो लिखा है उसको मैंने क्या बना दिया डी थीटा बना दिया। ठीक है, हम बात करते हैं लिमिट के बारे में, लिमिट आपकी कितनी है 1, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जब आप लिमिट दी है आपकी 1x की वैल्यू आपको दी है कितनी 1, तो यहाँ पर हमने लिखा x जगह कितना 1 लिखा, उसके बाद में tan थीटा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो tan के अंदर 1 होती है 45 के, इनकी पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 लिखेंगे यहाँ पर हम, और इधर tan थीटा, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आपको कितनी रहती है पाई बाई 4 आ जाती है। ठीक है, तो एक लिमिट हमें को कितनी मिली है x बराबर 1 पर, पाई बाई 4 मिल गई है। अब हम चेक करते हैं रूट थ्री पर, जब आप x की वैल्यू देखते हो रूट थ्री, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते वैल्यू को, तो रूट थ्री यहाँ पर लिखा है x की जगह रूट थ्री इज इक्वल टू टेन थीटा। आपको अब ये चेक करना होगा कि रूट थ्री टेन के अंदर किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 3, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको इस तरीके से कि टेन पाई बाई 3 इज इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन से टेन कैंसिल, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी रहती है आपके पास में पाई बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, तो हमको कह सकते हैं कि रूट थ्री पर जो आपकी लिमिट चेंज हो गई है कितनी आई है, पाई बाई 3 बन गई है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाई बाई 3, और यहाँ पर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन जब आप करते हो इसका कितना आ जाएगा, देखो ये वाला कंसेप्ट लगा है थीटा की पावर 1, यानी कि आपके पास फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स की पावर अगर एन दी हुई है इस तरीके से, और आप उसका कर रहे हो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 होगा यहाँ पर, और नीचे आपका एन प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से, तो प्लस का सी भी। तो यहाँ पर देखो हम कर रहे किस सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष, तो हमारा एलजेब्रिक जो यहाँ पर दिया है वो कितना है थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और थीटा की पावर कितनी है 1, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है पर 1, तो यहाँ पर यही कंसेप्ट हम यूज लगाएंगे फॉर्मूले का, तो थीटा की पावर हम लिखेंगे 1 + 1/1 + 1, और लिमिट आपकी जो चल रही है वो आपकी एलजेब्रिक चलती रहेगी, तो पाई बाई 4 और पाई बाई 3, ठीक है, इस तरीके लिखा। अब आप सोचोगे कि प्लस सी मैंने क्यों नहीं करा इसके अंदर, तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया है, अगर आप इसके अंदर प्लस सी भी करते हो और जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हो, तो सी जो आपका है वो क्या हो रहा है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस करेगा माइनस करेगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको जरूर देखें, जहाँ से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करा था। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, थीटा की पावर यहाँ पर आपको मिल जाती है 2, नीचे भी आपका 2, और लिमिट आपकी पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 3 तक। ठीक है, अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम क्या करते हैं पहले 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से, अंदर आपको बचता है थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर पाई बाई 4 और यहाँ पर पाई बाई 3। अब इसके अंदर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह, तो यहाँ पर लिखा है थीटा स्क्वायर, हम लिखेंगे पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी हम लगाएंगे, उसके बाद में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितनी पाई बाई 4, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम किसको करना क्या है, सिर्फ सिंपल इसको सोल्व करना है, तो आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, या फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, भाई हमारे पास में स्पेस है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2, अब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर, तो पाई स्क्वायर बनेगा और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। ठीक है, क्योंकि आपका जो स्क्वायर है दोनों टर्म पे आ गया, इस तरीके से यहाँ पर हम दोनों टर्म पे लेके जाएंगे, तो पाई स्क्वायर अपॉन
फोर स्क्वायर मतलब 16। हाँ साहब एलसीएम ले लीजिए या फिर पाई स्क्वायर में से कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। आपका अंदर बचता है 1/9 और 1/16 इस तरीके से, ठीक है। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से आपका एलसीएम कितना आएगा, 16 में 144 होता है, 16 9 आप 16 9 कितना होता है 144, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस तरीके से। अब आपको सिंपल क्या करना होगा, उसको सोल्व करना है बस आगे। तो पाई स्क्वायर अपॉन 2, 16 - 9 आपका होता है 7 और अपॉन में 144, ठीक है। या फिर 7 पाई स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख ला और उसके बाद में 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 144 के साथ में, ठीक है। यानी कि 2 4 8 और 2 4 8 और 2 1 2, तो मैं कह सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए जो मेरा फाइनल आंसर आता है 7 पाई स्क्वायर अपॉन 288, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हैं, इस तरीके से लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो 5th के अंदर आप जिसको लिमिट आपकी 0 to π/4 है, फंक्शन आपको दिया है e^(10x)·sec²(dx). इसके अंदर दिया आपका लिमिट आपकी -1 से लेकर +1 तक है और 2 की पावर x लिखा है (dx). तो पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको देखो एक फंक्शन का साथ में यहाँ पर दूसरा क्या दिया है, डिफरेंशिएशन दिया है। देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec स्क्वायर x होता है। तो मुझे करना क्या होगा कि हमको टेन की वैल्यू को t मान के या थीटा मान के सोल्व करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे लेट, यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट टी इज इक्वल टू tan x, ठीक है। आपको दोनों साइड का एक्सेस आप इसमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dt/dx और tan x का आपका डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पर लिखा है sec स्क्वायर x इंटू dx और dx में उधर पहुंचाऊंगा तो dt की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरी, sec स्क्वायर x और इंटू dx, ठीक है। अब इन वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, 0 to π/4 आपकी जो लिमिट चल रही है, उसके बाद में e की पावर लिखा है tan x, e की पावर 10 को मैंने क्या बनाया, tan x को t बना दिया, e की पावर t बन गया, sec स्क्वायर x इंटू dx को मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, dt बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt और उसके बाद में यहाँ पर इसको करना हो क्या होगा, e की पावर t का इंटीग्रेशन। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर t होता है और लिमिट आपकी जो भी चल रही है अभी 0 to π/4। बट अभी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको t की वैल्यू कितनी रखनी है, आपको tan x रखनी है, ठीक है। तो e की पावर tan x 0 to π/4 आपकी लिमिट चलती रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे e की पावर tan, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जहां पर आपका x है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर π/4, यहाँ पर लिखते हैं π/4 माइनस लोअर लिमिट, तो e की पावर tan 0, ठीक है। अब हमको उसको सोल्व करना है, यहाँ पर लिखा है e की पावर tan π/4, यानी कि tan π/4 का मतलब होता है 45 होता है और उसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की 1 होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, e की पावर 1 होगी। उसके बाद में e की पावर लिखा है tan 0, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो e की पावर कितनी बन गई, 0 बन गई, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे e की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो यहाँ पर बन गया e की पावर 1, तो बचा 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1 होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के जो आपके लिए फाइनल आंसर आता है e की पावर 1 या फिर e माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले से यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर x इंटू dx का। तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो e की पावर x का और इंटू dx, तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर x और अपॉन में log e बेस पर a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो e की जगह कितना दिया है, 2 दिया है, बाकी कुछ इसमें अंतर नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन अब आपको हट जाएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ाई कर दिया, तो 2 की पावर x अपॉन log e बेस पर a का मतलब 2 और लिमिट आपकी जो भी दी है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ा लेते हैं। अब देखो आपकी नीचे वाला जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसको बाहर निकाल देते हैं 1 अपॉन log e बेस पर 2 और जो आपका अंदर लिखा है 2 की पावर x और लिमिट -1 से लेकर +1 तक। तो इसके अंदर हमको लिमिट पुट करनी होगी, तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं। अब तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन log e बेस पर 2, 2 की पावर पहले +1 इनकी अपर लिमिट, उसके बाद में लोअर लिमिट, 2 की पावर -1 इस तरीके से। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, तो 1 अपॉन log e बेस पर 2, 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 ही होता है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे इस तरीके 1/2,
ठीक है, क्योंकि ये नीचे का आपको कितना बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से टू की पावर 1 होगी। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग ई बेस पर 2, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो आपका 2 एलसीएम आ जाएगा। 1 का टेबल आप 2 पे पढ़ते हो तो कितना आया, 1 2 2, और 2 का मल्टीप्लाई आपने करा 2 के साथ में, यानी कि आपको बन गया 4। इसी तरीके 2 का टेबल आप 2 पे पढ़ते हो तो 2 1 2, तो 1 का मल्टीप्लाई करना आपने 1 के साथ में, तो 1, इस तरीके से। यहाँ पर आपको कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 और लॉग ई बेस पर 2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है इस वाले के लिए 3/2 और लॉग ई बेस पर 2 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास में एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा है, लिमिट आपके दी है 0 to 1 तक, और इंटीग्रेशन करना है आपको साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एस, और नीचे लिखा आपको 1 - x², ठीक है, जो कि आपकी फॉर्म होती है a² - x² की, यानी कि आपको फॉर्म देखने को मिल रही है a² - x² की। अगर आपको ये वाली फॉर्म देखने को मिलती है तो आप इसके अंदर क्या करते हो, आप इसके अंदर करते हो कि x = a sin θ या फिर a cos θ मान के उसको सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है 1² - x², तो हम इस तरीके लिखेंगे कि 1² - x², जब हम इसको सोल्व करके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट x = a की जगह यहाँ पर लिखेंगे इस तरह 1 लिखेंगे, तो 1 को आप लिखो मत तो कोई काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाले है कि x = sin θ, फिर आपको दोनों साइड का डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx/, बट उससे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर लिखा है देखो साइन इनवर्स, हमको साइन इनवर्स ही बनाना होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स x = θ, क्योंकि साइन आपके इधर का इनवर्स में होगा, अब आपको उसका डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो यहाँ पर बनेगा आपका 1/√ के अंदर 1 - x², और यहाँ पर आपका बनेगा d θ/dx, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है dx और नीचे लिखा है आपको 1 - x², तो ds को मैं क्या करूँगा यहाँ पर लेके जाऊंगा, तो इसकी जगह यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा d θ से, तो यहाँ पर d θ की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, dx/√ के अंदर 1 - x², ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर हमारे पास में बन जाएगा साइन इनवर्स x / dx की तरह बन जाएगा, तो साइन इनवर्स हमारा कितना माना था हमने, थीटा माना था, और ds की ऑपर नीचे लिखा आपको 1 - x², तो ये आपको कितना बन रहा है, d θ बन चुका है, ठीक है। अब लिमिट चेक करते हैं, जब लिमिट आपकी कितनी है, 0 है, तो x की वैल्यू आपने कितनी लिए थे यहाँ पर, 0 ली है। जब आपकी x की वैल्यू 0 है, तब आपके पास कह सकते हो कि साइन थीटा = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आपने रखी 0, तो हम कहेंगे अब साइन थीटा = साइन में 0 किसकी वैल्यू थी, साइन 0 की, तो साइन से साइन कैंसिल और थीटा की वैल्यू आपके आ जाएगी 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, ठीक है। जब x की वैल्यू आपकी होती है 1, तो हम लिखेंगे साइन थीटा = 1, तो साइन के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 यानी कि 90 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा = sin π/2, तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी π/2, इन वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो π/2, और अब इसको करना क्या है, सिंपल इसका आपको इंटीग्रेशन करना है थीटा के सापेक्ष में, तो यहाँ पर देखेंगे θ² या फिर आप ये वाला फॉर्मूला आप समझ सकते हो कि x^n का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है x^(n+1)/(n+1) और प्लस का c, तो यहाँ पर आप देखो थीटा की पावर कितनी है, 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 2 और नीचे भी आपको 2 बनेगा, ठीक है। लिमिट आपकी जो भी दी है 0 to π/2 तक, और 1/2 ये आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 और उसके बाद में θ² और लिमिट आपकी 0 to π/2 तक, तो 1/2 यहाँ पर हम लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा की हम कितने लिखेंगे पहले, तो π/2 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, उसके बाद में 0 2, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल अब आपको क्या करना है, सोल्व करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, इसको स्क्वायर खोलेंगे हम यहाँ पर, तो π² / 4 हो जाएगा, और ये आपका 0 बन चुका है, तो हम यहाँ पर कहेंगे π² / 8, यानी कि हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आता है π² / 8 आ जाता है, ठीक है। हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट, अब हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, तो इस तरीके लिखा है कि लिमिट आपकी दी है 0 से लेकर 1 तक, और यहाँ पर आपका लिखा है tan−x² / dx, नीचे लिखा है 1 + x², ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो tan इनवर्स का जो डिफरेंशियल होता है 1/1 + x² होता है, ठीक है। तो वही टर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर आपको ये चीज होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1² + x², जो कि फॉर्म है इस तरीके का कि a²
प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके का जब फॉर्मूला आता है आपके किसी केस के अंदर या इस तरह की जो फॉर्म देखने मिलती है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर लिखा है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वन स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि लेट एक्स इजिकल टू टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है वन, तो वन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको देखो डिफ्रेंशिएशन अगर यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर क्या बनेगा डी एक्स ओवर डी थीटा, इस तरीके से डी एक्स ओवर डी थीटा, और यहाँ पर आपको बनेगा सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे लिए काम का नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ को कहीं पर हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे टेन को यहाँ पर इधर लेके आएंगे, इनवर्स में बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं यहाँ से। आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको क्या चीज़ चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो टेन को हम जब इधर लेके आएंगे थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, तो यहाँ पर बनेगा आपका टेन इनवर्स एक्स इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के दोनों साइड का, तब आपके पास में ये वाली टर्म बन के आ जाएगी। तो हम लिखेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स, और यहाँ पर आपको बनेगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर लिखा है डी एक्स और नीचे लिखा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं डी एक्स को उधर पहुँचाऊंगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे जगह इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या लिखूँ डी थीटा लिख दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट, अभी हम चेंज करते हैं, पहले इसको हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स को, देखो हमने क्या मान लिया थीटा, देखो यहाँ पर आप अब स्क्वायर लगा तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपकी वाली टर्म है, तो उसको हमने क्या बना दिया डी थीटा बना दिया। अब बात करते हैं लिमिट को, लिमिट कैसे चेंज करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो थी, यानी कि एक्स की वैल्यू जब आपकी जीरो है कि वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी मान रखी है आपने जीरो, तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन के अंदर जीरो किसकी वैल्यू होती है, टेन जीरो की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन जीरो, थीटा से थीटा के अंदर, सॉरी टेन से टेन के अंदर थीटा की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो, तो जीरो पे जीरो ही मिली है। अब हम बात करते हैं वन पर, तो जब एक्स की वैल्यू वन है तो हम लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वन होगी यहाँ पर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन के अंदर वन किसकी वैल्यू होती है पाई बाई फोर यानी कि पैंतालीस की, टेन पाई बाई फोर, टेन से आपका टेन, और सॉरी हाँ टेन से टेन कैंसिल हो गया आपका, और थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में पाई बाई फोर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई बाई फोर इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन है थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपको यहाँ पर डिफेंस और इंटीग्रेशन करना है थीटा के सापेक्ष में। यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, और लिमिट आपकी जो भी है जीरो टू पाई बाई फोर, ठीक है। यहाँ पर आपका थ्री बनेगा, थ्री हम बाहर निकाल लेते हैं पहली कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर आपको बनेगा थीटा की पावर थ्री और यहाँ पर जीरो टू पाई बाई फोर। अब हमको करना क्या है, थीटा की जगह पाई बाई फोर पुट करना है एक बार, और एक बार जीरो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वन अपॉन थ्री अपर लिमिट यानी कि पाई बाई फोर की पावर थ्री माइनस, उसके बाद में लिखेंगे जीरो की पावर थ्री इस तरीके से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने कर चुके हैं यहाँ पर, तो अब कुछ सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन अपॉन थ्री, ये आपको बनेगा पाई अपॉन सॉरी पाई की क्यूब अपॉन, यहाँ पर देखो चार की पावर तीन, तो ये चार की पावर तीन का मतलब क्या होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हो चार बार, तो चार का तीन बार मल्टीप्लाई, तो चार चौक कितना होता है सोलह, और सोलह चौक चौंसठ इस तरीके से, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो जीरो है तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई की अपने मल्टीप्लाई करी वन के साथ में, तो क्यूब लगा के क्यूब भी लगाएंगे, और थ्री का मल्टीप्लाई कर देना सिक्सटी फोर के साथ में, तो थ्री फोर सा पहले होता है हमसे कैसे आपका एक चला गया कैरी, ठीक है, और उसके बाद में थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स साथ, तो एट्टीन प्लस नाइन यानी कि कितना हो गया आपको हो जाएगा 192, यानी कि आंसर जो कितना था फाइनल पाई क्यूब अपॉन 192 आपको फाइनल आंसर आ जाता है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है, तो यहाँ पर लिखा है लिमिट आपकी जीरो टू वन है, क्वेश्चन आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है अंडर रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि एक फॉर्म होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। जब आपकी इस तरह की फॉर्म मिलती है किसी क्वेश्चन के अंदर, तब हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू मानते हैं ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ठीक है। तो आप इनमें किसी एक को वैल्यू को हम क्या करते हैं लेकर सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, बट यहाँ पर हमारा लिखा है वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मानेंगे, ठीक है, क्योंकि वन को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे एक जगह रखते तो कितना रहेगा आपका साइन थीटा ही रहेगा। फिर आपको करना क्या है, देखो अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में नीचे वाली टर्म रिप्लेस नहीं हो पाएगी, तो हम क्या करेंगे इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आपको करना है यहाँ पर डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में दोनों साइड का, तो यहाँ पर लिखेंगे डी थीटा ओवर डी एक्स
और यहाँ पर आपको बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है dx और नीचे लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं dx को उस साइड में उधर पूछा देता हूँ तो मेरे पास में रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d थीटा की वैल्यू dx ओवर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, लिमिट को भी हम चेंज करेंगे अभी। तो पहले हम इसकी जगह पुट करते हैं, तो x को हमने क्या माना साइन थीटा, तो हमने यहाँ बनाया इसका साइन थीटा, और साइन इनवर्स को हमने क्या बना दिया थीटा बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इस तरीके से, पहले dx ओवर जो भी नीचे लिखा है तो उसको हमने क्या बना दिया d थीटा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब लिमिट आपकी कितनी है, देखो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट जब आपकी x की वैल्यू जीरो कर दी, यानी कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं x की वैल्यू जब जीरो थी तो साइन, यहाँ पर हम देखते हो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू का यहाँ पर हमने शुरू में कितनी दी जीरो, क्योंकि जीरो दी हुई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो। तो साइन के अंदर जीरो किसकी वैल्यू होती है, साइन जीरो की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन के अंदर थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है जीरो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो। उसके बाद में साइन, जब आपकी एक्स की वैल्यू थी वन तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, वन के इक्वल हो जाएगी। अब हमको चेक करना है कि वन किसकी वैल्यू होती है साइन के अंदर, साइन पाई बाई टू यानी कि नब्बे की, यानी कि साइन से साइन के अंदर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है पाई बाई टू, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाई बाई टू, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है, मान लिया थीटा का साइन थीटा का, जो कि कौन सा रूल होता है आइलेट रूल होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आइलेट का मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन दिया होगा, जैसे इनवर्स वाला अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, उसके बाद लॉग वाला फिर एल्जेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो हम इसके अकॉर्डिंग लगाने वाले हैं। इनवर्स वाला नहीं दिया यहाँ पर तो उसको कैंसिल करेंगे, लॉग वाला भी नहीं है, एल्जेब्रिक दिया है क्योंकि थीटा के हिसाब से कर रहे हो, तो आपका फर्स्ट बन जाएगा और सेकंड आपका बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते थे इसके अंदर रूल को, तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज रहने वाला है, दूसरे का आपको इंटीग्रेशन करना साइन थीटा का इस तरीके से और इंटू डी थीटा, माइनस आपको फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो डी ओवर डी थीटा और यहाँ पर थीटा, उसके बाद डी इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का और डी थीटा, फिर आपको उसको होल इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से, और लिमिट आपकी जो भी दी है यहाँ पर देखो कितना है जीरो टू पाई बाई टू और यहाँ पर भी जीरो टू पाई बाई टू, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर लिमिट लिख दे सकते हो या मत भी लिखो, क्योंकि देखो होल इंटीग्रेशन लगा दिया तो यहाँ पर उसको बाद में आप पुट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एम सी हमने यहाँ पर लगा दिया है तो थीटा, और यहाँ पर हम देखो साइन काम करते हैं इंटीग्रेशन, तो कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस मैं बाहर लिखता हूँ, लिमिट जो भी मेरे पास में चल रही है जीरो टू पाई बाई टू, उसके बाद माइनस, तो यहाँ पर लगेंगे लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष में होता है वन, तो वन को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन साइन का कितना हो जाएगा माइनस का कोस थीटा, तो माइनस माइनस आपको रहता है कोस कोस प्लस और उसके बाद में कोस थीटा और यहाँ पर डी थीटा, ठीक है। फिर अगेन आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है कोस का, तो यहाँ पर हम लिमिट अभी बाद में पुट करेंगे, तो थीटा कोस थीटा और जीरो टू पाई बाई टू, उसके बाद यहाँ पर हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाता है आपका साइन थीटा और उसकी लिमिट कितनी जीरो टू पाई बाई टू। अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा अपना स्पेस बना लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले इस वाले केस के अंदर लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर कितनी है आपकी पाई बाई टू, तो थीटा की जगह पाई बाई टू लिखा, यहाँ पर भी कॉस पाई बाई टू लिखा माइनस, ठीक है। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले चल रहा है और यहाँ पर जीरो और कॉस जीरो, तो यहाँ पर हमने क्या किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया इस वाले केस का। अब यहाँ पर आ जाते हैं बीच में प्लस, तो साइन पाई बाई टू बनेगा यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन जीरो इस तरीके से, ठीक है। अगर उसको सोल्व करते हैं पहले, तो माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू यानी कि साइन कॉस नब्बे की वैल्यू कितनी होती है आपकी जीरो होती है, उसके बाद में प्लस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, उसके बाद में साइन नब्बे यानी कि पाई बाई टू होती है आपकी वन और साइन जीरो आपका होता है जीरो। सबको सिंपल हमको सोल्व करना होगा, जीरो का मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस पाई बाई टू के अंदर, तो ये आपको कितना बन गया जीरो, प्लस जीरो का मल्टीप्लाई वन में करा तो जीरो, और उसके बाद में वन में से जीरो को माइनस करा तो वन बचता है, जीरो प्लस जीरो आपका कितना हो जाता है जीरो, बीच में आपको प्लस चल रहा है तो जीरो प्लस वन आपका कितना हो जाएगा वन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए जो फाइनल आंसर आता है आपका वन आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपको इस तरह की टर्म बन रही है प्रतिसापेक्ष तो आप उसको कैसे रिप्लेस करोगे, प्लस वाला बन रहा है माइनस वाला बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों को पता है कि अगर आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12th या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर हम किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट।